आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आधार कार्ड को फोटोशॉप में कैसे प्रिंट किया जाता है या फिर उसका आईडी कार्ड बना करके कस्टमर को किस तरह दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फोटोशॉप में आधार कार्ड प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको डबल क्लिक करना है फोटोशॉप में। जहाँ पे भी आधार कार्ड रखा हुआ है उसको ओपन करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे तो देखिए हम यहाँ पासवर्ड डाल रहे हैं और यहाँ से ये ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से देखिए ये ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें करना है, यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ से जंप टू इमेज रेडी पे क्लिक करना है। ये जंप करेगा इमेज रेडी में, यहाँ आकर के आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ अब मुझे डबल क्लिक करना है, जहाँ पे भी आधार कार्ड को रखा हुआ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आपका शुरू आपका नाम का शुरू का 4 डिजिट रहेगा, उसके बाद आपका बर्थ का ईयर रहेगा वो डाल देंगे। यहाँ ओके पे प्रेस करेंगे और यहाँ से हमें वेट और हाइट पूछ रहा है तो इसका हम 1800 दे देंगे, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका यहाँ डॉक्यूमेंट आ जाएगा, इसको हमें फिर जंप टू फोटोशॉप में करना है। तो हम यहाँ पे फिर जंप पे क्लिक करेंगे तो ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले मुझे एक डुप्लीकेट बनाना है, तो डुप्लीकेट पर हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे बार पर और यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, यह डुप्लीकेट का ये नाम आ जाएगा, यहाँ से ओके कर देंगे तो एक डुप्लीकेट भी तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास 2 अभी यहाँ पे आ गया, तो वो क्यों आया है वो अभी आपको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले मुझे एक पेपर लेना है, तो पेपर लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो आपका यहाँ पेपर आ जाएगा। पेपर का साइज आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जो भी साइज का लेना चाहते हैं हम A4 लेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो मेरा यहाँ पेपर आ गया है। उसके बाद हमें जो है तो इसको आधार कार्ड को लेना है, तो सबसे पहले इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे और इसका पहले यहाँ से हम साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, जूम करके देखेंगे इसको और देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद हम पहले इसका फ्रंट साइड को लेंगे, फ्रंट साइड को क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ क्रॉप टूल ले लेंगे और यहाँ से इसको यहाँ से ये क्रॉप कर देंगे। इस तरह से आप क्रॉप कर देंगे, जितना आपको साइज चाहिए उतना क्रॉप कर देंगे और यहाँ से आप एरो बटन की मदद से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम चलिए ऊपर नीचे, मेरा इतना ही हमको चाहिए, इतना हम लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ आ जाएगा। अब मुझे इसके बार पे फिर राइट क्लिक करना है, यहाँ से ईमेल साइज पे क्लिक करेंगे, इसका साइज हम 1100 दे देंगे। 1100 देने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये अभी परफेक्ट साइज में आधार कार्ड आएगा। उसके बाद इसको हम फिर यहाँ से घिंच करके यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे, ये पेज में आ जाएगा। अब इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम इस तरह काट देंगे, ये कट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको अब ये तो यहाँ पर आएंगे, इसको थोड़ा हम और भी जूम कर लेंगे ताकि क्रॉप करने में आसानी हो। और जूम करने के बाद फिर यहाँ से इसको बढ़िया से फिट कर लेंगे कितना हमको क्रॉप करना है। और क्रॉप करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ क्रॉप टूल को ले लेंगे और जितना साइज आपको क्रॉप करना है उतना आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, मुझे इतना चाहिए, हम इतना ले लिए और यहाँ से ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसको भी आप इसका भी साइज पहले देखना होगा, तो साइज देखने के लिए आप बार पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इमेज साइज पर जाएंगे, यहाँ से आप इसका साइज 1100 दे देंगे। 1100 में आधार कार्ड का साइज परफेक्ट होता है, आधार कार्ड का साइड यहाँ पे आ जाएगा, उसको यहाँ से क्रॉप करके यहाँ से घींच के ला के छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप कुछ भी इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, कहाँ कितना देखना होगा देख लीजिए आप, इस तरह बराबर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको जैसे कि अगर इसी आधार कार्ड में थोड़ा सा अगर और भी थोड़ा करेक्शन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम यहाँ से राइट एंगल टूल ले लेंगे और ले करके हम यहाँ से थोड़ा इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मुझे एड्रेस थोड़ा अपना और भी गहरा करना है या फिर थोड़ा उसमें और भी कलर देना है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे तो कर्व्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद इसको हम थोड़ा नीचे पे प्रेस करेंगे तो देखिए ये थोड़ा और भी काला हो रहा है, ये करेंगे तो आपका बढ़िया से बढ़िया और भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, अच्छा दिखाई पड़ेगा। उसके बाद इसी तरह हम थोड़ा यहाँ आधार को इसको भी थोड़ा हम इस तरह कर लेंगे, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे राइट एंगल टूल से, उसके बाद कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे तो यहाँ से इसको भी थोड़ा सा हम नीला गीला जो भी है कर देंगे। उस तरह इसी तरह हम यहाँ से आधार नंबर को थोड़ा सा उसी तरह फिट कर देंगे, यहाँ कंट्रोल राइट एंगल टूल से हम ये ले लेंगे, उसके बाद यहाँ कंट्रोल एम प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको भी थोड़ा हम कलर दे देंगे, तो देखिए यहाँ भी थोड़ा ब्लैक हो गया है। इसी तरह आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन करने के बाद आप घींच के उसको कॉपी में ले आ सकते हैं, हम पहले ही लेकर गए क्योंकि हमको इतना ही अच्छा लगता है, हम इतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा हमको अच्छा नहीं लगता इसलिए हम वहाँ पर छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ से आप परफेक्ट साइज को उसको मिला लेंगे, आप अगर इसी तरह प्रिंट करना चाहते हैं तो इसी तरह रखेंगे। इसको पहले हम जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी होगी, देखिए हमने जूम कर लिया है। उसके बाद अब जो है तो इसको हम परफेक्ट साइज में मिलाएंगे, मिलाने के लिए हम थोड़ा एरो बटन की हेल्प से इसको मिला सकते हैं। अब जो है इसको मुझे जो है टेढ़ा करना है, तो टेढ़ा करने के लिए हम यहाँ पर इधर आएंगे, इधर आ गए इस तरह इसको घुमा देंगे तो ये परफेक्ट साइज में इसको बढ़िया से बैठा देंगे। तो यहाँ पर 100 रहना चाहिए, पूरा 100 आ जाएगा तो आपका समझ लिए कि आपका यहाँ पर साइज परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे,
तो देखिए इस तरह आपका प्रिंट होगा। जब प्रिंट होगा तो आप इसको मोड़ के दे सकते हैं, नहीं तो फिर आपको जो है तो दो पेज काटना होगा। इसलिए आप नहीं काटने से बचिए और आपका इसी तरह यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब इसको आप प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद यहाँ प्रिंट विद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ स्केल टू फिट मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं।